हेलो धनंजय मीरा, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। और अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए जरा कि कैसा फील आ रहा है शिप में आकर के। फील बहुत अच्छा आ रहा है। जब हम एंट्री किए तो नज़ारा बहुत खुश हो गए और एक छोटी सी शुरुआत किए थे हम, और वो छोटी सी शुरुआत हम तीन फॉरन ट्रिप कर चुके, चौथी फिर कर रहे हैं। वो भी इतना खूबसूरत क्रूज पे जो हम कल्पना भी नहीं किए थे कभी, जी छोटी सी शुरुआत यहाँ तक ले आएगी। जिन्होंने हमें ना कहा और उन तक हमें कुछ लॉस नहीं हुआ उससे, उसमें उनका ही घाटा हुआ, हमारा कुछ नहीं जाता, उनका ही घाटा। ओके, अभी आप उन लोगों को दोबारा से जब जाएंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और मुझे लगता है इस बारे वो ज़रूर आपको बोलेंगे कि हम भी वेस्टिज में शामिल होना चाहते हैं, वेस्टिज परिवार में हम भी एंजॉय करना चाहते हैं। यस यस यस, तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। यस धनंजय। यस मैडम, बोला जाए तो ये एक वरदान बन के हम लोगों की ज़िंदगी में वेस्टिज आया, और हम लोगों ने मतलब ये अपॉर्चुनिटी समझ के मतलब फटाफट हम लोगों ने डिसीजन लिया, और ये डिसीजन ही आज पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। जहाँ तक कि हम मतलब दिल्ली मुंबई जाने के लिए भी मतलब घूमने के लिए सोचना पड़ता था, आज हर साल यहाँ से हम फॉरेन टूर पे आ रहे हैं, और यहाँ का जो मतलब आज ये क्रूज का जो टूर है ये तो मतलब बोल के मतलब शब्दों में मतलब बता पाना बहुत मुश्किल है। और रही बात क्या कि जो स्प्लेंडर बाइक चलाता था मैं, वो यहाँ से पहली रेनॉल्ट डस्टर, दूसरी मर्सिडीज बेंज चला रहा हूँ, टोटली मतलब लाइफ चेंजिंग बिजनेस है ये। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप भी बिना समय गंवाएं अपना डिसीजन बदलिए। ऊपर वाला सभी को एक मौका देता है ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, और आपके लिए भी ये 100% गारंटी है कि ये आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेके आएगी ये डिसीजन। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू, गॉड ब्लेस। हेलो शबनम, आसिफ भाई कैसे हैं आप? मैं चाहूँगी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है, वो ज़िंदगी कैसी थी जब आप वेस्टिज में नहीं थे, और आज वेस्टिज में आकर के आपकी ज़िंदगी कैसे बदली, थोड़ा शेयर करें। वेस्टिज तो मैम मेरी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स बन के आया। एक्चुअली जो मैं कॉलेज में जॉब कर रहा था तब तो सिर्फ सपने ही देखते रह गए, लेकिन पूरा होने का कोई मौका नहीं था। लेकिन अभी वेस्टिज प्लेटफॉर्म में आने के बाद हर सपना एक एक करके पूरा हो रहे हैं। सोचा नहीं था समंदर के ऊपर ऐसे 5-स्टार होटल की तरह आज केबिन लेके ऐसे समुंदर में घूमेंगे। बुक्स में पढ़ा था कि समुंदर की ऐसे जो ब्यूटी है, तो अभी तो आज पूरा हो गया। मैं चाहती हूँ अगली बार मेरे साथ हर एक मेरा डिस्ट्रीब्यूटर आए, और जो सपना है इन लोगों का, नॉट ओनली जस्ट अभी समुंदर की ही बात कर रही हूँ, लेकिन बाकी जो ड्रीम है वो ड्रीम के बारे में बोल रही हूँ, सबका पूरा हो। और मेरी तरफ से सबके लिए मेरा विशेष है, ब्लेसिंग्स है, और मेरा इंट्रोड्यूसर आप लोग, अर्पणा मैम, दीपल मैम, आप लोगों के लिए मेरा बहुत ग्रेटफुल है। गॉड ब्लेस। यस आसिफ भाई, बताएं आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। हाँ मैम, मैं बहुत खुश हूँ आज जो आपने मुझे रास्ता दिखाया। आज 10 साल पहले जो मेरा ड्रीम था, एक्चुअली जो कंपनी में मैं पहले था वो ड्रीम दिखाता था, लेकिन फुलफिल एक भी ड्रीम फुलफिल किया नहीं, मैं नहीं कर पाया। और यहाँ मैं आके फर्स्ट ईयर से लेके आज तक 15 फॉरेन ट्रिप मुझे मिला, और हर ट्रिप में मैं जाता हूँ विद वाइफ का साथ और एंजॉय करता हूँ, और मेरा साथ ग्रुप भी जाता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है जो किसी को ले साथ में ले जा साथ में ले सकते। एब्सोल्युटली, तो वो जो खुशी है, और इतना बढ़िया मैनेजमेंट है जो हम लोग का साथ। Correct. एक भी ऐसा दिन नहीं आया जो मैनेजमेंट हम लोग का साथ नहीं हो। बिल्कुल, तो वो एक खुशी होता है, और जैसे एक परिवार सर जैसा है, एज ए फादर की तरह हम लोग खाया कि नहीं, सब कुछ जैसे लगता है एक परिवार की तरह। हाँ। बंदा ऐसा नहीं है जो उसको ख्याल नहीं रख सकता। वंडरफुल, तो दिस इज वेस्टिज, ये वेस्टिज की पावर है, ये वेस्टिज की पावर, वेस्टिज का प्यार, वेस्टिज का केयर। हाँ मैम, ये जो है, जो ये लाइफ है, और जितना दिन आएगा, और हर आदमी जो सक्सेस होना चाहता है और यहाँ जब आएगा
और उसको कोई रोक नहीं पाएगा. लाइफ ट्रांसफॉर्म. गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू. हेलो प्रदीप, कैसा लग रहा है शिप में आकर के? यस मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम. आई एम रियली हैप्पी. जो फर्स्ट टाइम, दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इन द फॉरेन ट्रिप बेस्टेज का, एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन फॉरेन ट्रिप. आई रियली एंजॉयिंग, एंड इट्स रियली आपको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि व्हाट आई कैन सी अदर पीपल आल्सो एंजॉयिंग एंड टुगेदर वी आर एंजॉयिंग. सो वी शुड ब्रिंग आवर फैमिली, आवर डाउन लाइन, सो दैट वी कैन ग्रो मोर एंड मोर. एंड दिस इज रियली ए चांस टू know yourself through this together with the foreign trip. It's amazing. कैसा लग रहा है? पहले आप जब वेस्टीज में नहीं थे तो आपके लाइफ कैसी थी, और अभी आपकी लाइफ totally transformed. Madam, what I like to say, it's really मतलब you turn life है. हाँ. You turn life means job में I worked many years in the job. Job में जब काम करता था मैंने. At that time, only we dream, but practically it never happened. But here, after coming, Vestige mein join karne ke baad, dheere dheere dheere, one by one, my dream started fulfilling. And it's lots of things have changed in my life, from the health, from the wealth. And best part of this, working with the Vestige, the peaceful of mind. Matlab aapko peace milta hai kaam karne ke baad. Bilkul theek. Yeah. Bilkul theek. So, अभी अगली बारी आप अपने साथ कितने लोगों को लेकर के आएंगे? मैडम, I don't like to commit. Maximum commit करने नहीं जा रहा हूँ, but till then, at least 50 people I want to bring with my team. Wonderful, wonderful. तो सबकी पासपोर्ट की तैयारी करवा दीजिए and मिलते हैं अगले ट्रिप में दोबारा से. God bless. तुन जी, कैसे कैसे लग रहा है अभी आपको शिप में आकर के? कितना मजा आ रहा है, जरा शेयर करिए सबके साथ, अपने टीम के साथ. एक मैसेज मैं चाहूंगी आप अपनी टीम के लिए दीजिए. सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ वेस्टीज मैनेजमेंट का, और थैंकफुल मैं अपने अप्लाइज कर जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और हम लोग यहाँ पहुँचे. शिप के बारे में यही कहूँगा कि हम लोग शिप के बारे में बहुत सुनते थे, इमेजिन करते थे शिप ऐसा होगा वैसा होगा, बट जब हम लोग इमेजिन जो करते हैं दैट मच बेटर देन. Correct. और यहाँ आने के बाद जब हम सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं, सक्सेसफुल लोगों की लाइफ के बारे में सुनते हैं, और हम आज तक वो यूट्यूब पे या सेमिनार में सुनते थे, यहाँ के जब से पर्सनली मिट्टी मीट होती है, राइट, तो एक अपने अंदर से डिफरेंट फीलिंग्स आती है. करेक्ट. कि आज हम लोग कहाँ जा सकते हैं. बिल्कुल. और जैसे कल बाली साहब ने जो कहा, एक कल्चर वाली बात, जब लगा कल्चर और टीम, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बेस्टली सिर्फ लोगों को पैसे और हेल्थ के लिए काम नहीं कर रहे, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट लाने के लिए काम कर. बहुत बढ़िया. बिल्कुल. सब कहूँगा हर आदमी को हर ट्रिप में आना चाहिए फॉर द सिस्टम एंड फॉर द कल्चर. विश यू वेल. गॉड ब्लेस. ओके, हाउ आर यू शाइन एंड रहमत, कैसा लग रहा है अभी आपका एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी टीम को बताएं कैसे आप फील कर रहे हैं? जी मैम, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि जिंदगी बहुत बड़ी जिंदगी है, और इस बड़ी जिंदगी को महसूस करने के लिए बड़ी काम करना पड़ता है. यस, मैं सोचता हूँ कि बड़ी काम अगर आपको करना है तो वेस्टीज में आइए, वेस्टीज का एक आईडी ले लीजिए और बड़ी काम कर सकते हैं वेस्टीज में. हम लोग ने किया है, सिर्फ 7 साल पहले वेस्टीज को ज्वाइन किया, प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, और आज देखिए लाइफ स्टाइल स्टार पूरे जर्मनी में. अभी हम लोग मलेशिया से थाईलैंड आज रात को हम लोग निकलेंगे. टीम है हम लोग के साथ, अपलाइन है, डबल लाइन है, क्रॉस लाइन है, पैरेलल लाइन है. बहुत ही खुश है, आज बहुत ही अच्छा जिंदगी जा रहे हैं. जिसका पास एक बाइक था, आज उसके पास पास गाड़ी है, उसमें एक लग्जरी कार भी शामिल है. wow. तो मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ सारे वेस्टीजियन को कि अपने ऊपर विश्वास रखो, पेशेंस रखो, और साथ ही साथ वेस्टीज का जो सिस्टम है, कल्चर है, उसको फॉलो करो. आपका भी ये जिंदगी इंतजार कर रहे हैं. रोबोट यूनियन. सो मैं बहुत ही खुश हूँ आज, क्योंकि ऐसा ट्रिप सपने भी नहीं सोचा था कि ऐसा ट्रिप मिल सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं होता अगर वेस्टीज नहीं होता. तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने सपनों को पूरा कीजिए वेस्टीज के साथ. सपनों से ज़्यादा आपको मिलेगा, आप जितना सपने देखेंगे उससे भी 2, 3, 4, 10 गुना ज़्यादा मिलेगा, जैसे कि मुझे आज मिला है. Excellent. तो मैं यही बोलूँगी, आप लोग सब आइए वेस्टीज के साथ और अपने सपनों से 10 गुना ज़्यादा यहाँ से लेके जाइए. वंडरफुल, वंडरफुल. गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू. हाय समीना, हाय करीम, कैसा लग रहा है? मुझे एक बात बताओ, 5 साल पहले जब आप वेस्टीज में नहीं आए थे, वो दुनिया और अभी की दुनिया कैसा लग रहा है? वो दुनिया इतना छोटा सा था और अभी का इतना बड़ा सा दुनिया देखा, और
सपनों में भी नहीं कभी सोचा था ऐसे एक दुनिया हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और जितना भी अभी बोलूं उतना भी उतना बहुत कम है। हम लोग इतना हम लोग ये भी नहीं कर सकती थी, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है अभी, इतना हम लोग एक्साइटेड है, यहाँ में इतना शानदार सा माहौल है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। वेरी नाइस। हमारा मैडम को नहीं नहीं थैंक यू, आप लोगों की मेहनत है ये आप लोग इस लेवल पे पहुंचे हैं। एंड अभी या ओके टेल मी ग्रेट ग्रेट थैंक यू वेरी नाइस। करीम आप बताएं कुछ। ये तो कोई लफ्ज नहीं है, जितना भी बोले इतना जी मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि आज मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरा टीम मेरा साथ है और अपलाइन का साथ और टीम का साथ, इसे एक फैमिली है। Yes. क्योंकि फैमिली के साथ इतना टाइम नहीं दे पा रहा है, लेकिन आज हमें वेस्टिजियन का एक फैमिली जैसे काम कर रहा हूँ। और मैं ये हमें आ करके मेरे को लग रहा है ये जन्नत पहले कहाँ था आज कहाँ है। आज तो अगर सही मेहनत करे कोई सही जगह में सही प्लेटफॉर्म में तो वो अपना लाइफ को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ अर्पणा मैडम एंड देवदीप देव सर को, क्योंकि उन लोगों ने जो गाइड किया, गाइड करके ये मंजिल को हम लोगों को दिखाया। तो जब पहले मेरा जो लाइफ था और हम कुछ नहीं था, आज मैं एक जन्नत में घूम रहा हूँ। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। एंड अभी अगले बारी कितने लोगों को लेके आना चाहोगे? अगली बार तो मेरा साथ जो जो काम कर रहे हैं सबको मैं कोशिश करूंगा वेस्टिज में आने के लिए और इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए, फ्रंट टिप में आने के लिए। एक्सलेंट करीम, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू समीना, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू।